एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, फिट होंगे। एंड या आई एम डूइंग गुड एज वेल। और आज का वीडियो होने वाला है वुलन शॉल एंड स्टॉल पे, दोनों ही चीज़ होने वाली है। और विंटर सीजन भी चल रहा है एंड वेडिंग सीजन आल्सो, सो मैं कुछ कंटेंट भी सोच रही थी और मैंने अपने शॉल्स भी निकाले थे। सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर माई शॉल एंड स्टॉल कलेक्शन, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपके वार्डरोब में क्या क्या शॉल होने चाहिए, चलो शुरू करती हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो। ओके जी, सबसे फर्स्ट शॉल होने वाला है ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर या बॉटल ग्रीन कलर बोल सकते हैं आप। और इसके साइड बॉर्डर में चिनार लीव्स है और ये मैंने श्रीनगर से लिया था। और बिल्कुल सटल है वर्क, कोई भी निकलने वाला धागा वगैरह नहीं है। और वुलन वर्क किया हुआ इस पर और साथ में टेसल्स का वर्क है। और डिज़ाइन भले ही इसकी हैवी है, पार्टी वियर पीस है, बट इजी टू कैरी है, लाइट वेट है बट वॉर्म है। और अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो आपके लिए ये शॉल बिल्कुल बेस्ट है। और कहीं आप शादी में जाओगे तो जैकेट पहन के तो नहीं निकल जाओगे। और ये छोटी छोटी सी गलतियां अपन बहुत बार करते हैं कि ड्रेस अपन ने अच्छा पहन लिया है, उसके बाद अपन शॉल या स्वेटर पे ध्यान नहीं देते होते और अपने लुक को बिल्कुल ही ख़राब कर लेते हैं। इसलिए एक अच्छा शॉल ज़रूरी है। मेक श्योर कि आपने कुछ अच्छे शॉल पे इन्वेस्ट किया हो जो आपके लुक को कॉम्प्लीमेंट करता हो। और एंड सेकेंड होने वाला है ये नेवी ब्लू कलर का शॉल, खोल के दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए, पूरा पार्टी वेयर पीस है। देन इसमें रेशम थ्रेड वर्क किया हुआ है और बीच बीच में येलो कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं इस पर। और अगेन टैसल का वर्क है साथ में, जो इसके लुक को और भी एनहेंस करता है। किसी का भी आपको लिंक नहीं दे सकती क्योंकि सारे शॉल्स की परचेज़ मेरी ऑफलाइन है, ऑनलाइन मैंने एक भी परचेज़ नहीं किया है। और साइड्स बॉर्डर में अलग से छोटे छोटे फ्लावर्स दिए हुए हैं इस पर, ये देखिए। और लेंथ भी इसकी अच्छी खासी है जो इजी टू कैरी है, मीन्स ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। और ये शॉल मिक्स पश्मीने में है। और यही शॉल आप न्यू ब्राइड्स हैं वो रेड कलर और पिंक कलर में लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू नो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके के शॉल लेने चाहिए और आप नियर मार्केट से वो चीज़ ढूंढ सकते हैं अपने लिए। और थर्ड वन इज़ वाइट कलर का शॉल है और ये आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए। ब्लैक और वाइट तो आपके होना ही चाहिए, ये किसी भी ड्रेस पे चल जाते हैं। और इसका बेस जो है वो ऑफ वाइट है और कलरफुल मल्टी कलर का जो कशीदा किया हुआ है इस पर, ये देखिए पास से दिखा देती हूँ। और ये किसी भी प्लेन सूट पे भी आप एज ए दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो। और फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत गर्म रहता है। और अगेन ये भी मैंने श्रीनगर से ही लिया है और इतना अच्छा लग रहा है। और इस ड्रेस के साथ भी ये जा रहा है क्योंकि स्काई ब्लू कलर का वर्क भी है और इस तरीके से लिया हुआ बहुत बढ़िया लगता है ये शॉल। एंड नेक्स्ट इज़ ऑरेंज, सुपर सॉफ्ट ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर भी बहुत डार्क नहीं है, आपके कैमरे में आ रहा होगा, बिल्कुल सटल ऑरेंज कलर है और सेल्फ वर्क किया हुआ है। और ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा आया था, मैंने श्रीनगर से ही लिया था ये। और ये मिक्स पश्मीना शॉल है और ये वही वाला शॉल है जो रिंग में से निकल जाया करता है। और आप इसको एज ए दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं और ये मल्टी यूज़ भी ले सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। आप स्कार्फ़ की तरह भी अपने गले में जीन्स पे या सलवार कमीज़ पे टक कर सकते हो। ये देखिए, इसमें सेल्फ वर्क है, बहुत सुंदर लगता है, चमक बहुत अच्छी है इसमें। और ऐसा नहीं है कि पतला है तो गर्म नहीं रहता, बहुत गर्म रहता है। और ये बॉर्डर्स कितने सुंदर बनाए हैं, बॉर्डर पे भी मल्टी कलर का वर्क किया हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट है। और नेक्स्ट है ये मस्टर्ड येलो कलर, जिसमें ये लाइनिंग का वर्क है और बीच में है ये फ्लावर बना हुआ है, जो ब्लैक कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं और येलो कलर के पर्ल्स हैं।
और बीच में इसके पम पम लगा हुआ है, बड़ा सुंदर सा फ्लावर है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, मैं डेली यूज़ करती हूँ। और साथ में इसके बड़े बड़े टैसल्स हैं जो इसके लुक को और भी एनहेंस कर रहे हैं। और नेक्स्ट शॉल है ये चेक स्टाइल में, जिसके चारों ओर ये फर का वर्क किया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये इनके फ्रेंड से मैंने कश्मीर से मंगवाया था, गर्म बहुत ज़्यादा रहता है। और ये आपके गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बेस्ट है। और ये वाला भी एक शॉल तो आपके पास वार्डरोब में होना ही चाहिए। और ये एक नेक्स्ट स्टॉल होने वाला है जिसमें सेल्फ वर्क है, और इसका कलर कोरल या पीच बोल सकते हो आप। और बीच में इसके सिल्वर कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये देखो स्टोन्स बहुत चमकते हैं नाइट में। तो ये नाइट वेयर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये लाइट वेट भी है जो इजी टू कैरी है आपके लिए। और नेक्स्ट स्टॉल होने वाला है मल्टी कलर, जो आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो इसको। और ये इजी टू कैरी है, लाइट वेटेड भी है, और साथ में ये इंडो वेस्टर्न लुक के लिए बहुत परफेक्ट है। और जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और नेक्स्ट स्टॉल होने वाला है लाइट पिंक और ग्रे कलर में, आप इसको दोनों साइड से भी यूज़ कर सकते हो। और साइड में इसके पिन के साथ में पॉम पॉम लगे हुए हैं, और इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और ये पहने हुए भी बड़े स्टाइलिश और अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके के स्टॉल्स भी आपके वार्डरोब में होने ज़रूरी हैं। पहले कुछ मेरे पास नीटेड स्टॉल्स हैं, और ये मल्टी कलर है और ज़िगज़ैग क्रोशिया वर्क किया हुआ है, और ये बहुत पुराना हो चुका है, और ये मम्मी ही लेके आए थे मेरे लिए। और नेक्स्ट है ब्राउन कलर का, ये भी क्रोशिया वर्क का है और बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। नेक्स्ट है ये पिंक कलर का स्टॉल, डार्क पिंक कलर है, इस ये भी क्रोशिया वर्क की है। और नेक्स्ट स्टॉल है मस्टर्ड कलर का, जिसपे बॉर्डर पे अच्छा सा वर्क किया हुआ है, देन अंदर भी क्रोशिया का अच्छा सा वर्क किया हुआ है विथ लॉन्ग टेसल्स हैं। और ये लेने के बाद में भी बड़ा सुंदर लगता है, ये देखो। और आपके पास तीन चार स्टॉल्स क्रोशिया वर्क में भी होने चाहिए, ये भी लाइट वेटेड होते हैं और लिए हुए बहुत प्यारे लगते हैं। और ये वाले स्टॉल्स मैंने अमृतसर से लिए थे, तीनों चारों ही अमृतसर से लिए हैं मैंने, और जिगजैग वाला वो मम्मी लेके आए थे जयपुर से। और नेक्स्ट है ये वाला शॉल, और ये काफ़ी टाइम पहले मम्मी लेके आए थे मेरे लिए, जयपुर से ही लिया था मम्मी ने। और ये इतना ज़्यादा गर्म रहता है, और इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा आया था, और ये अभी तक भी एज इट इज़ पड़ा है, मैं डेली यूज़ करती हूँ, ये ख़राब नहीं हुआ है। और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मम्मी लेके आए थे इसलिए। और ये लास्ट है मेरे पास पिंक कलर का, जिसपे मल्टी कलर के स्टोन्स हैं, और ये मुझे कोई ख़ास नहीं पसंद है, और मैंने एक बार भी इसको वेयर नहीं किया है, और मुझे याद भी नहीं है ये मैं लेके आई हूँ या फिर गिफ्ट में मिला है, पता नहीं, काफ़ी साल पुराना है तो मुझे नहीं पता। ओके जी, होप करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने लव वंस के साथ में शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।